पंजाब च हर दे नाल तबाही वधदी जा रही है। ये हाईवे है जिस च कि पहाड़ पैने शुरू हो गए, इस करके दोनों पासों ट्रैफिक रोक दिता गया है। लोइयां तो लैके मखू तक ये जिहड़ा हाईवे जांदा है, इहदे च जदों पहाड़ पैना शुरू होया तां ट्रैफिक नूं रोक दिता गया, जिथे जिथे इहनूं मरम्मत का काम भी नाल ही शुरू कर दिता गया ताकि जिहड़ा है ट्रैफिक चलता रहे। पर पानी कल नालों वधदा ही जा रहा है अते उहदा कोई कंट्रोल नहीं हो पा रहा। पानी कल लग रहा सी कि नहीं वधेगा पर जदों वधदा ही गया तां इहनूं हाईवे ते जिहड़ा पहाड़ है उहनूं तुसीं देख सकदे हो कि इहनूं कोशिश की जा रही है कि इहनूं कंट्रोल किया जाए तो हाईवे नूं बचाया जाए, पर जिहड़ा पहाड़ है वो पूरा नहीं हो पा रहा। वो जिहड़ा नैशनल हाईवे नूं नुकसान होने का मतलब है कि दोनों पासों का ट्रैफिक रुक जाता है तो हज़ार लोग एक पासे फस जाते हैं तो बहुत सारिया दिक्कत होर तरह दियाँ आ जाए ने। ये तस्वीर लोइयां तो लैके मखू तक दियां ने जो कि हाईवे है जिथे उत्थे हाईवे जिहड़ा है पानी साइडां नूं तोड़ के जदों सड़क ते आउण लग गया तां उत्तों बचण लई ये इंतजाम किए जा रहे ने। पिंड दे लोक ये सारा इंतजाम कर रहे ने ते इस पानी दी रफ्तार जिहड़ी उह वधदी जा रही है क्योंकि हिमाचल तो पानी होर छड्डिया जा रहा है ते उसे पानी तो बचण लई ये इंतजाम ने। ये तुसीं देख सकते हो तस्वीरां पंजाब च तबाही दियां ने, पानी किस तरीके दे नाल तबाह कर रहा है, पानी किस तरीके दे नाल पंजाब नूं तबाह कर रहा है, सतलुज दा पानी किस तरीके दे नाल आ साइडां नूं रोकण दी कोशिश की जा रही है। लोग जिहड़े अपने लैवल दे कुछ ना कुछ कर रहे ने पर फिलहाल इस हाईवे दे उत्ते ट्रैफिक रोक के मरम्मत का काम शुरू कर दिता गया है ताकि जिहड़ियां दिक्कतां ने उन्हों रोकिया जा सके। ये तस्वीर मलसियां तो लैके मखू जिहड़ा रोड है उस दियां ने, लोग अपने पद्धर ते सारियां तैयारियां कर रहे ने ते इस हाईवे नूं फिलहाल रोक दिता गया है जदों तक कि ये मुकम्मल नहीं हो जाता। इहदी जिहड़ा काम है इहनूं कंप्लीट नहीं कर लिया जाता। दोनों पासे तुसीं देख सकते हो कि पानी ही पानी नज़र आ रहा है। इस पासे जिथे जिथे छोटे छोटे बन है लोग अपने आप ही इन्हां सारियां कोशिशां च लगे हुए ने कि किसे तरीके दे नाल इहनूं कंट्रोल किया जाए। पानी का बहा कल नालों लगातार वध ही रहा है तो ये पानी किसे कंट्रोल च नहीं आ रहा। उस दे मद्देनज़र ये सब कुछ ये पानी की रफ्तार है जिथे छोटे छोटे बन बनाए हुए सी उत्थे पानी ज़्यादा नुकसान कर रहा है। किन्नी रफ्तार दे नाल पानी जा रहा है, पिंड दे पिंड तबाह हो गए। ये लेटेस्ट पंजाब दियां तस्वीरां ने हड़ ने किस तरीके दे नाल इलाके नूं प्रभावित किया है। ये हाईवे नूं भी बंद करना पिया ते हुण जिहड़ा है सारी कोशिश चल रही है कि किसे तरीके दे नाल ये पहाड़ नूं वधन तों रोकिया जा सके तां कि ट्रैफिक चलता रहे ते जिहड़ी राहत ते होर दूसरियां चीज़ां ने वो चलदियां रहन। ये इस इहनूं ही रोकण लई ये सारे लोग, कुछ लोग भी अपने घरां तों जिहड़े हुण तक नहीं आए सी वो हुण घर छड्ड के जा रहे ने क्योंकि इस पासे मखू वाले पासे पानी ही पानी है। पंजाब च पानी दी तबाही, सतलुज दा पानी जो कि हिमाचल ते होर पासे आ रहा है उन्हें तबाही मचा रखी है तो फिलहाल इस हाईवे नूं रोकना पै रहा है। पंजाब दा ढिड भरन वाले पंजाब दी ये हालात हो गई कि उन्हों रेस्क्यू वास्ते लोगों नूं खाण पीण वास्ते हैलीकॉप्टर तो खाण पीण दीआं चीज़ां सुटनियां पै रहीआं। ये जलंधर जिले का आखिरी पिंड है, उत्थे तुसीं देख सकते हो कि हैलीकॉप्टर एयरफोर्स का जो कि इत्थे दे लोकां वास्ते खाण पीण का समान उत्थों सुटिया जा रहा है जिथे जिथे लोग फसे हुए ने क्योंकि रस्ते बंद हो गए। इन्हां इलाकियां च जाया नहीं जा सकता, इसलिए प्रशासन ने एयरफोर्स की मदद ली तो एयरफोर्स के 6 हैलीकॉप्टर इस तरीके दे नाल ज़िले के वख-वख इलाकों च लोगों नूं मदद पहुँचा रहे हैं। खाण पीण का समान है, पानी है, जिथे जिथे लोग नहीं पहुँच सकते, प्रशासन नहीं पहुँच सकता उस उत्थे इस तरीके दे नाल हैलीकॉप्टर जिहड़े है वो लोगों की मदद कर रहे हैं तो इस तरीके दे नाल 6 हैलीकॉप्टर वख-वख इलाकों च जाके लोगों की मदद कर रहे हैं। साडे हालात इत्थों दे बहुत माड़े आ जी, 300-350 घर आ, सारे घर सानूं खाली करने पए, छत्तां नाल पानी लग गया,
कोई महकमे वाला पहुंचा नहीं, कोई एमएलए नहीं, कोई साडा पता नहीं लैंदा। माड़ा मोटा जिहड़ा राशन आउंदा इह लै के खाने आ। अग बालण नूं साडे कोल सिलेंडर है नहीं, कुछ है नहीं, बालण है नहीं गा। साडा प्रबंध किया जाए, साडी माड़ा बचाया जाए, किस तरह प्रशासन इत्थे आउणा चाहीदा जी। कोई नहीं रुकिया जी, सानू आ माड़ा मोटा खाण पीण लंगर पाणी माड़ा मोटा देंदे, अहीं खाई जांदे जी। साडे कोल अग बालण नूं कुछ नहीं गा, चुल्हा नहीं, कुछ नहीं हैगा। तो बड़ा औखा गुजारा, बहुत ज़्यादा बीमार भी हो गया बिच बंदे जी। दवाई वा भी प्रबंध होना चाहिए, ठीक है जी। इस करके पानी बहुत ज़्यादा चढ़ी जाता, हले भी चढ़ी जाता। 12 बजे तो ला के हूँ तक 3 फुट पानी चढ़ गया वा, तो मिनट फुटा हिसाब ना पानी चढ़ता जी। इस करके मेहरबानी करके साडा कोई प्रबंध किया जाए। सर हालात इन्ने क माड़े आ कि देखो कल का पानी आया हुआ वा, पिछे नूं देखो जी। इस पानी की वजह कारण मेरे मिसेज की डेथ हो गई। उन्होंने कि जो देखा कि पानी आ रहा वा, उन्होंने को सहारा नहीं गया। उन्होंने बीपी इन्ना क लो हो गया कि उन्होंने मुड़ के असी जलंधर लेके गए, उन्होंने एमरजेंसी जलंधर लेके गए जी। जलंधर जाके उन्हों की डेथ हो गई कि उन्होंने कद ये देखा नहीं कि इन्ना कुछ ये हो रहा वा। जो पानी की आवाज़ सुनी उदों ही उन्हों का बीपी लो हो गया। मुड़ के सानू संस्कार करन भी कितने जगह नहीं मिली। असी मेन रोड से संस्कार करके आए रात, हूँ भी उत्थे साडे को जा नहीं हो रहा। कोई नहीं गा जी, कोई नहीं, प्रशासन वालों कोई नहीं गा। इदा कोई आ देखो कोई पिंडा चो कोई वीर दे के गए रस की बो रस का पैकेट एक पानी की बोतल, सरकार वालों कोई नहीं आया जी। आपके तौर पर ही आ कोई चीज़ कित लै वो ठीक आ। पिछे बच्चों घर बच्चे फसे पे आ, गल गल एना एना पानी होया हो, नंघया भी नहीं जाता। कैबिनेट मिनिस्टर गुरप्रीत सिंह कांगड़ भी हर पीड़ित इलाकों का दौरा करने आए हैं सर नाल ने। सर हुण जिहड़ी तुहाडी मीटिंग हुई है अफसरां दे नाल, की हुण तक का अपडेट की है? मतलब अपडेट तो यही वेख्या गया भी चार वो भी घूम के आए हैं, असं भी जाके आए हैं सारे उस इलाके जिते बहुत ज़्यादा प्रभावित होया इलाका। वो वास्ते प्लैनिंग की है भी किस किस ना पहले तौर पर असं की तरीके जो ब्रिजेज हुई हैं उन्होंने मुकम्मल तौर पर पूरिया जाए पाड़। जरा दूसरी गल जी भी घिरे हुए लोग ने उन्हां नूं जो मेन जिहड़ी चीज़ है उन्हां दा फूड का प्रबंध, उन्हां दा मेडिसन का, उन्हां दे पशुआं दा जिहड़ा चारे का प्रबंध है, जां कोई जो कोई पशु भी ना उन्हां दा नुकसान किया जा होवे, इस करके उन्हां नूं तुरंत रिलीफ दित्ती जा सके। बहुत सारे कई कैंपां 'च असीं भी जा के आए, जिहड़े लोग कैंपां 'च आ गए उन्हां दे रिश्तेदार भी कई उत्थे है, वो अपनी मर्जी नाल नहीं आए होणगे, पर हुण उन्हां नूं लग रहा है कि अगर मदद मिले तो वो बाहर आना चाह रहे हैं। बिल्कुल वेखो, अज मैं जिथे जाके आया साड़ियाँ बोट्स जा रही ने, अजीत साहब कल दस रहे थे कई लोग जिद करते भी नहीं असी आना, अज उन्होंने मिलटरी प्रिपेयर हुए है। जे जिंदगी है तो सारा कुछ नाल है, जे अज उत्थे बह के कोई नुकसानी अपना जान का नुकसान ही कर लिया मुड़ के कुछ नहीं रहना। अज उन्होंने बाहर कढ़न का सिलसिला बहुत तेजी ना जारी है, बोट्स भी असी मंगाई काफ़ी मात्रा के लगातार असं उन्होंने बाहर लेके आ रहे हैं। होर पानी तो नहीं छड़िया जा रहा उधरों, तो यदा मतलब हम राहत होएगी फिलहाल तो भाखड़ा डैम? कोई पहला भी नहीं पानी छड़िया गया, कोई यही गल नहीं भी उत्थे कोई माड़ी नीति से पानी छड़िया। कोई उत्तों अचनचेत इन्नी बारिश आ जानी, किसी जाचेते भी नहीं भी 8-10 घंटे इन्ने प्रैशर न बारिश पैनी है भी एडा पानी आ जाना, कोई छड़न की कोई मनसा नहीं उत्थे। ये सन कैबिनेट मिनिस्टर गुरप्रीत सिंह कांगड़ जो कि हड़ पीड़ित इलाकों का दौरा करने आए हैं। इन्हों का कहना है कि सरकार सारे वो प्रबंध कर रही है जो किए जाने चाहिए से। जोड़े लोग हूँ भी अपने घर तो आना चाह रहे हैं, जोड़े पिंड फसे हुए हैं उन्होंने बहर लिया भी इंतजाम किए जा रहे हैं। कैमरा परसन सुमित धीमान इमरान खान, ABP सांझा, जलंधर।